और भगवान गणेश जी महाराज राखी काय पर बैठकर बांधी जाती है। अरे बोलो तो, एक चौकी पर, पाटे पर, आसन पर बिठाकर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। राखी बांधने के बाद बहन भाई के माथे पर, अरे बोलो तो, तिलक कर, आप लोग भी तिलक करते हैं। तिलक क्यों किया जाता है? तो कहते हैं ये तिलक हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है। पर तिलक प्रतीक है, पर जो चावल हम तिलक में लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं? ये चावल का क्रम कहाँ से चालू हुआ? सिर में चावल चिपकाना, तिलक लगाने के बाद चावल लगाना, कहाँ से चालू हुआ? ये चावल है क्या? आखिर ये चावल तिलक के बाद में ब्राह्मण या आप किसी को भोजन करा रहे हो, जमाई को तिलक कर रहे हो, बेटी को तिलक कर रहे हो, तो कंकु लगाने के बाद चावल क्यों लगाया जाता है? उस चावल का क्या प्रमाण है? उस अक्षत का क्या प्रमाण है? क्यों लगाते हैं उसको? लगाते लगाते पूरी जिंदगी हो गई, अरे तो बता दो क्यों लगाते हैं? वो चावल का क्या प्रमाण है कि कंकु का तिलक तो लगाया, वो हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। पर जो अक्षत हम माथे पर किसी के लगाते हैं कंकु लगाने के बाद में, चंदन लगाने के बाद में जो चावल लगाया जाता है, वो चावल का क्रम क्या है? तो शास्त्र कहता है सुंदर विष्णु पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन करा, जिसके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है वो शुभ कार्य का प्रतीक होता है। और अक्षत इसलिए लगाया जाता है कि इस अक्षत के माध्यम से आपकी जिंदगी में ये शुभ कार्य निरंतर चलता रहे, इसलिए अक्षत उसके माथे पर लगाया जाता है शुभ कार्य के लिए, निरंतर चलने के लिए। इसको कहते अक्षता। अक्षता का मतलब क्या है? निरंतर चलता रहे, निरंतर बढ़ते रहो। भगवान की भक्ति को धारण करने का सबसे सुंदर तरीका है। तो यहां शास्त्र कह रहा है श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करो और श्रम्भेश्वर महादेव की भक्ति को धारण करो। पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का तिलक भी लगाया जाता है, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी का तिलक लगाया जाता है, तुलसी के पौधे की मिट्टी का तिलक लगाया जाता है, गंगा जल का तिलक लगाया जाता है, कपूर का तिलक लगाया जाता है। कपूर का तिलक कब लगाते हैं? जब किसी व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हो, जापा हुआ हो, डिलीवरी हुई हो, तो कपूर का तिलक लगाकर जाना चाहिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति का जीवन सुखमय हो, जो बच्चा जन्म ले उसको आनंद की अनुभूति हो। कपूर सब तिलक, जिस व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ रहा हो ना, बहुत तेज बुखार आ रहा हो, बुखार उतर ही नहीं रहा हो, पानी में कपूर को थोड़ा सा घिस के और उस कपूर का तिलक लगाना चालू कर दीजिए, मात्र आधे घंटे के अंदर बुखार नीचे आ जाएगा। आधे घंटे कपूर के तिलक का इतना प्रमाण है, तिलक का भी प्रमाण है। अभी ये कहना जाने कौन से राजनेता हैं, उन्होंने कहा तिलक पर बोल दिया कि तिलक लगाने वाले ऐसे होते हैं, तिलक लगाने वाले वैसे होते हैं। पर मेरा निवेदन है, केवल हिंदू धर्म की निशानी है तिलक, माथे पर तिलक हो, गले में तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, तो यमदूत भी बंदी नहीं बना सकते। अगर बनाएगा तो वो भगवान वैकुंठ अधिपति अपने दरवाजे का कोई कण ही बना कर है। हमारे पास एक मस्तक का तिलक, एक गले की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। जो CFL का बल्ब बेकार हो जाता है, हो जाता है बेकार, अगर समय से पहले बेकार हो जाए तो वो कंपनी में वापिस हो जाता है। मस्तक पर तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, अचानक मालूम पड़े अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक्सीडेंट हो गया, और तुम्हारे मुंह से राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, शिव नहीं निकला, मत निकलने दो। अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा है और तुम अचानक मर गए, राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, मत निकलने दो। और मस्तक पर अगर तिलक लगा है, यम के दूत बंदी बनाने आएंगे तो पहचान जाएंगे ये नरक ले जाने वाला जीव नहीं, इसके मस्तक पर कंपनी का मार्क लगा हुआ है, ये तो शंकर के धाम में जाएगा, ये कैलाश पति के धाम में जाएगा। इसलिए मस्तक पर या तो त्रिकुंड खींचो सत्यम शिवम,
धर्म ये शिव का है, बिंदी लगाओ ये माँ जगत जननी की है, नारायण तिलक लगाओ ये मेरे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का है, त्रिपुंड तिलक लगाओ खड़ा दो सफेद बीच में लाल ये मेरे नारायण का, ये कंपनी का मार्क है, कौन सी ब्रांड का है, जाएगा कहाँ, किसी किसी के मस्तक पर तिलक ही नहीं रहता तो मालूम नहीं पड़ता कि दिल्ली मेट तो नहीं है, कंपनी तो दिख ही नहीं रही है कि कौन सी कंपनी का है।